Annihashikiva fans, today we are going to talk about The Brightest Star in the Sky episode 19 in Hindi Explained. So let's get started. Now on episode 19, Jinjin Buksu के लिए meal prepare करके लाती है hospitals में और वहाँ Yiran से उसकी मुलाकात होती है और दोनों gossip में लग जाती है Buksu के बारे में. Yiran says so many things about Buksu जो कि Jinjin को नहीं मालूम थी. She says Buksu की contract उसके father buy कर लेंगे, then Buksu को business में ही डाल देंगे. He can't sing anymore. But Jinjin knows Buksu how much love to sing. She says he can't live without music. Then Yiran भी काफी इमोशनल हो जाती है, अपने चाइल्डहुड के किस्से शेयर करने लग जाती है. She says चाइल्डहुड में उनके एरिया में ऑलवेज बिजली चली जाती थी तो वो कैंडल यूज करते थे, बट वन डे वो कैंडल वो निभाना भूल गए और पूरे घर में आग लग गई. Buksu को उसके फादर ने किसी तरह बचा लिया था बट उसके मॉम को नहीं बचा पाई. तो उस दिन रिपोर्टर्स भी काफ़ी Buksu को क्वेश्चन करने लगे बट Buksu काफ़ी रोए जा रहा था. दैट्स वाई Buksu हेट रिपोर्टर्स एंड स्केयर ऑफ फायर. Jinjin को Buksu की इस नेचर के बारे में फर्स्ट टाइम ही मालूम चला. सो शी इज वेरी शॉक नाउ. और इतने में ही Buksu फादर और केजिन भी Buksu से आए मिलने. नाउ इन कंपनी दे आर इन मीटिंग वेदर दे सेल Buksu और नॉट, कॉज Buksu इज इन हाई प्राइस राइट नाउ. जिन दो पूरा लड़ रही है यहाँ Buksu को रखने के लिए एंड सीईओ भी एग्री कर गई. नाउ इन हॉस्पिटल यवन और उसके मॉम आती है अपोलोजाइज करने. वो बहुत ही गिल्टी फील करती है उस दिन के हादसे से. Buksu यवन से अकेले में बात करता है. Buksu से वेरी इमोशनली, डू यू नो मैं ऑलवेज सोचता हूँ काश मेरी माँ भी जिंदा होती, मुझे मारती, मुझे डांटती, मुझसे बात करती, मैं ऑलवेज सुन सकता उन्हें, बट दैट्स नॉट पॉसिबल. बट यू हैव योर मॉम, योर ओनली फैमिली, सो यू शुड चेरिश हर एज मच एज यू कैन. और इस बात से ज़ायुआन, Buksu एंड मी ऑल्सो क्राइड आउट, बट फाइनली सी रियलाइज्ड एंड प्रॉमिस Buksu टू लिव हर लाइफ with a bright future. Now on road, Zion और उसकी माँ Buksu के तारीफ करते हुए जा रही थी कि कुछ लोगों ने उस बात को रिकॉर्ड कर ली और पूरा इंटरनेट में डाल दिया और पूरा वायरल हो गया वो वीडियो. और नाउ मैनेजर्स और चेयरमैन आर ऑल्सो हैप्पी, वो फिर से Buksu को चेरिस करने लगे. एंड नाउ प्रेसिडेंट माँ इज Buksu इन चार्ज. तो प्रेसिडेंट माँ आ गई इन हॉस्पिटल Buksu को एक कमर्शियल के लिए परस्यू करने जो कि थे व्हील चेयर एडवर्टाइजमेंट. जो सुन के Buksu बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया, चिल्ला के वहां से सबको भगा दिया. देन Jinjin Buksu को काफी प्यार से समझाती है दैट अगर वो ये कमर्शियल करेगा तो वो कंपनी 1000 व्हीलचेयर डोनेट करेगी. और Buksu इस बात से एग्री हो गया. एंड नाउ हियर इज द अमेजिंग सूट. नाउ कंपनी Jinjin की हार्डवर्क से और Buksu की काम से बहुत ही खुश है, तो वो Jinjin को उसके हार्डवर्क के लिए Buksu की न्यू एजेंट बना दी. नाउ Buksu सेड तुम मेरी एजेंट हो, सब कुछ स्क्रू मत कर देना. Jinjin से मैं भी बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तुम सीईओ से बात करो. देन Buksu से अगर सुनी बिची कर सकती है तो तुम क्यों नहीं, यू आर मच बेटर देन हर. और इसी बीच डॉक्टर केम टू चेक ऑन हिम और नर्स ने Buksu की बैंडेज निकाली तो Buksu और Jinjin दोनों ही बहुत ही जोर से चिल्लाए कि पूरा हॉस्पिटल कांप उठा. हियर इज द स्क्रीम. So this drama is getting more and more interesting, funny, romantic, day by day. So you have to make sure to keep watching. Don't miss any updates. So I will catch you on another episode. So till then keep watching. Bye bye. Have a nice day.